आज हम अलखुदी मंजिल पर मौजूद हैं। अलखुदी स्कूल ऑफ थॉट्स के फाउंडर हुमायूं अलखुदी ने ये महफिल सजाई है और आज हम बात करेंगे इफ्कार की। हमारे साथ हमारे रुफका मौजूद हैं। आज हम सबसे पहले इकबाल बदर सरकार, जो हमारे मुर्शद पाक हैं, उनके छोटे भाई हमारे साथ मौजूद हैं अलखुदी मंजिल पे। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। तो दरवेश और फ़कीर की सोबत में जो एक लम्हा भी जो है वो इंसान को जो है वो मंजिलें जो है उसकी सर करवा देता है। तो आज की असल में महफिल का, बैठक का और सोबत का मकसद ये है कि वो सरकार के साथ जो इतना अच्छा रहे हैं उसमें उन्होंने क्या कुछ हासिल किया, और इस बात को भी देखें कि जो हमारे नौजवान हैं, बुज़ुर्गों की मोहब्बत है, सोबत है, और बुज़ुर्गों को अगर हम आइडियल बना लें, क्योंकि जवानी जो है, ये जो कहते हैं कि चढ़ती जवानियां हैं कुछ कल नौजवानों, तो इसमें इंसान के बड़े आइडियल बनते हैं। तो इसमें जो भी इंसान एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आइडियल बनाता है, वैसा ही रंग उसके अंदर आ जाता है। तो मुख्तार सरकार जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो हम ये इनसे पूछना चाहेंगे कि आपके अंदर जो सरकार का रंग आया है, हम तो ऐसे ही महसूस कर रहे हैं कि सरकार आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो ये रंग जो आपके अंदर आया है, इसमें हमें भी बताएं और फैज़ याब फरमाएं और सरकार की जो तालीमात हैं उस पर रोशनी डालें। जी बिस्मिल्लाह जी। मैं कहाँ था इस करम के काबिल, हजूर की बंदा परवरी है। ये सरकार दी मोहब्बत और सरकार दी फहम और दराक दे, जिस तरह असी सरकार दे नाल चलते पे सां, वो अकल शौर चलो थोड़ा बहुत रखते सां। वेख्या सरकार दा मुआशरे दे विच मूव करना, दोस्तां नाल अच्छी दोस्ती, बुजुर्गां दी अच्छा एहतराम, छोटियां नाल अच्छी शफकत, सरकार दा वतीरा सी शुरू तो ही, ते बड़े मुनसम मिजाज सन। ते सरकार दे नाल वक्त गुजरदिया गुजरदिया सरकार दे नाल वेख्या सरकार दी ओ नफासत, फिर सरकार जदों इस रंग दे विच इस सिलसिले दे विच दाखल होए ने सरकार, फिर यकसर ही हर चीज़ बदल गई। बड़ी शुरू तो हैरानी हुई सारी फैमिली नूं, सब नूं इस चीज़ दी। ते आहिस्ता आहिस्ता चूंकि हक सच सी ओ अया आउण लग पिया सब ते, इस तरह फिर दोस्त साथी ए आन लग पे बाहरों सरकार के कोल बैठन लग पे, सरकार नाल कोई मुहब्बत का इजहार करन लग पे। सानू भी अचंबा होया भी है की है, ते एक नवा सिलसिला शुरू हो गया। असी भी करीब होने की कोशिश की सरकार दे, ते सरकार ने किसी मसलहत दे ताए थी सानू थोड़ा पिछे रखा इस मामले तो। फिर चूंकि वो जिमें जिमें किसी नू पता लग जाए कि कोई कोई राज है, कोई खजाना है, उमें उमें इंसान की जस्तजू ज्यादा होंगी है। साड़ी भी वो जिमें जिमें सरकार सानू थोड़ा मसलत दे तहत पिछे रखा सी, साड़ा जनून वधदा जांदा सी, ते वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो घड़ी वो वक्त आ गया कि सरकार ने उस रास तो आशनाई करवाई। ये सब सरकार दा फैज है। सरकार ने सारा बहुत अच्छे तरीके दे नाल वो जिहड़ी ये भूला बिसरिया दीन सी ना, वो फिर एक बारी नवे तरीके नाल, नवे जमाने दे नवे तरीके नाल सरकार ने पेश कीता है। और कोई असी नहीं वेख्या अज तक कि कोई उस बात नूं डिनाई करदा होवे, किसी मजहब का होवे, किसी कौम का होवे, किसी कबीले का होवे, क्योंकि गल ही हजरत आदम दी है। इस तरह ही ये दीन इज्जत वाला जिवें जिवें ये दाखिल होंदा जांदा इंसान, उवें उवें इज्जत मिलदियां ने, ते जिथे वो कहिंदे ने इलम आउंदा उत्थे शोहरत भी आ जाती है, उत्थे रिजक भी आ जाता है। बहुत शुक्रगुजार हाँ असीं दोस्तां दे साथियां दे, उन्हां सानूं बोलण दा मौका दित्ता है, अपने ख्याल का इजहार करन दित्ता है, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जब का इलामा इकबाल को पढ़ना शुरू किया ना, उनके कुछ अशार कहते हैं, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके जोरे बाजू का कि निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। अशार पढ़े समझ ना आई, क्योंकि जब तक बंदा पढ़ता है और साहब नज़र की नज़र ना पड़े तो बेईमानी है। जब हाजी इकबाल बदर सरकार को मिला और जो अलामा का कलाम है वो उतरना शुरू हो गया, अगर एक शेर पढ़ा है तो उसके असरात आने शुरू हो गए कि ये किस लिए कहा गया था। अभी तो हम कह लें कि एक जिस तरह दुनियावी स्कूल है, अभी तो हम ABC ही पढ़ रहे हैं, अभी तो हमें कलम पकड़ना नहीं आया, सीख रहे हैं। उनकी जो मार्फत इलाही है, जो अल्लाह ताला ने उन्हें अरफान से नवाजा है, वो ज़ात के ऊपर उसके असरात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर कोई बंदा भूखा है ना तो वो ही बता सकता है कि उसे भूख है, और जिसने खाना खाया है वही खाने का टेस्ट बता सकता है, जिसने नहीं खाया वो टेस्ट नहीं बता सकता। तो जिसके ऊपर अरफान
और नज़ूले इलाही होती हैं ना, वही बंदा बता सकता है, दूसरे नहीं। वो ज़ात का एक एक अंग जिसे रोटे कहते हैं, एक एक लूं दे विच फिर रब लभदा है। तो माशरे में बड़ी अशद ज़रूरत है, जो आज से 1400 साल पहले पैगम्बर इस्लाम दुनिया में आए, उन्होंने पैगाम दिया और वही पैगाम आज हम आगे लेके जा रहे हैं हमारे सरकार। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब सरकार मुख्तार साहब का कि वो भी आए हैं, हमारे अपने कदम लेके, कदम मुबारक लेके आए हैं, हमें हौसला अफजाई दी है। तो सलामतियाँ सब के लिए, सब सलामतियों और बरकतों से। किसी भी दरवेश का जो भी पैगाम है ना, वो मोहब्बत है, वो सिर्फ एक तबके के लिए नहीं है, वो पूरी इंसानियत के लिए है, औलाद आदम के लिए है। तो हमने जो कुछ सीखा है और वही चीज़ आगे कन्वर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अल्फाजों से नहीं, हमने हाजी इकबाल बदर सरकार से सीखा है किरदार से, अपना किरदार। अल्फाज नहीं, अल्फाज तो पूरा माशरा बोल रहा है, जब तक आपके किरदार आपके अल्फाज की शहादत ना देंगे किसी पे कोई असर नहीं हो सकता। और ये पैगाम हमारी ख्वाहिश है हर घर घर जाए और हर ये फैज आम हो। ये फैज मखसूस लोगों के लिए नहीं है, बल्कि औलाद आदम के लिए।